स्टार्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चालू करते हैं। जब तक कि ये कोरोना चल रहा है, जब तक थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता, तब तक हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, है ना। और फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का, दोनों लेक्चर रोज बनेंगे, 30-30 मिनट के लगभग होंगे, ठीक है। मतलब एक टॉपिक का एक लेक्चर रोज चलेगा, जिससे आप लोगों को आसानी भी होगी पढ़ने में और जो है ज्यादा बड़ा भी नहीं हो पाएगा वीडियो, है ना, तो बोरिंग भी नहीं लगेगा ज्यादा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स आज बना रहे हैं। फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था हमने, क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम पढ़ा रहे थे। गॉस थ्योरम में क्या क्या चीजें हो गई थी, एक बार पुराना रिपीट कर लेते हैं, जिससे आप लोग जो है थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आगे समझने में। मैं वो लोग तो गॉस थ्योरम ही भूल गए होंगे घर पे बैठे बैठे ये क्या होती है। तो गॉस थ्योरम में हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसको जरा इधर समझ लेते हैं। गॉस थ्योरम पहली बार देखी थी, उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते थे किसी भी क्लोज बॉडी के लिए, है ना। और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, वो कुछ ये आया था कि जो फाइ ई था इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, और ये जो हमारे पास होता था ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता था। ये हमने गॉस लॉ पढ़ा था, ये चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। फाइ ई इज इक्वल टू ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमने क्या किया था ना, गॉस थ्योरम का ये तो प्रूफ था, इसके अलावा हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी गॉस थ्योरम में। एप्लीकेशन क्या थी गॉस थ्योरम की, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था यूनिफॉर्मली स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। एक तो यूनिफॉर्म वायर के लिए हमने, एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। दूसरा जो कैलकुलेट किया था वो था इनफाइनाइट लेंथ ऑफ प्लेट के लिए। एक तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ प्लेट के लिए कैलकुलेट किया था, और प्लेट में भी हमने दो तरीके से कैलकुलेट किया था। ये तो सिंगल प्लेट के लिए कैलकुलेट किया था, उसके बाद डबल प्लेट के लिए कैलकुलेट किया था, पैरेलल प्लेट के लिए, जब आपके पास में दोनों प्लेट पे चार्ज जब दोनों पे सेम होते थे इसके लिए, और जब दोनों प्लेट पे चार्ज होते थे अपोजिट होते थे उसके लिए, दो अलग अलग ही कैलकुलेट किए थे हम लोगों ने। और यहां पर इसके लिए अगर निकल के आया था तो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिंगल प्लेट के लिए निकल के आया था, और इसके लिए जो निकल करके आया था वो आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर जब अपोजिट चार्जेस होते थे उसके लिए भी अलग किया था और इसके लिए भी अलग किया था, इतना हम लोगों ने कर लिया था। दो एप्लीकेशन, या एक तो ये एक ये, दो एप्लीकेशन हमने पढ़े थे प्लेट में। एक अभी और बचा हुआ है, इम्पोर्टेंट है काफी, वो है स्फेयर के लिए, कि अगर सरफेस स्फेरिकल होगा तो फिर कैसे काम करेगा वो, ठीक है, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा हमने रिवाइज करा दिया कि पुराना आपको ये चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने, और आगे थोड़ा सा स्फेरिकल, क्योंकि इसका यूज वहां पर होना है फिर से। तो दो एप्लीकेशन हो गए थे, एक एप्लीकेशन और स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज जो हेडिंग होगी हमारे पास वो होगी यूनिफॉर्मली स्फेरिकल के लिए, स्फेयर जो भी होगा आपके पास में उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो आज हेडिंग बना लीजिए नई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। आप ये कुछ भी मान सकते हैं, आप यूनिफॉर्म स्फेयर है एक आपके पास में, ठीक है, और उसका रेडियस हमने आर मान के चल रहे हैं, मान लीजिए आर मान के चलते हैं, और इसके लिए आपको आज कैलकुलेट करना है। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछा गया है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाना होगा तो बना देंगे किसी भी तरीके से। अच्छा, यहां पर जो हमने आर माना है आप कैपिटल आर भी मान सकते हैं, स्मॉल आर भी मान सकते हैं। बाय द वे, जब पेपर में आए तो आप वहां पर डिनोट कर दीजिएगा कि किस आर से आप स्फीयर को मान रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस भी अज्यूम करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज हाँ ये भी बता देते हैं कि जब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तो हमने आपको चार स्टेप बताए थे कि क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी होती है। पहला तो आपको हमने बताया था कि गॉसियन सरफेस आपको अज्यूम करना होता है, कि गॉसियन सरफेस क्या होगा, ठीक है, जहां पर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए आप वर्टिकल सिलेंडर देखे थे, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ प्लेट के लिए आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल सिलेंडर देखा था, और जो स्फीयर होगा स्फीयर के लिए हम स्फीयर ही यानी कि सिमेट्रिकल उसी टाइप का ही एक स्फीयर की तरह का ही हम लोग एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। तो पहला गॉसियन सरफेस अज्यूम करना था। दूसरा जो हम स्टेप करते थे उसमें आपको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना होता था, और टोटल फ्लक्स वही फार्मूला लगा करके करते थे हम लोग, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, सबको याद होगा, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, चार्ज। तो चार्ज जब कैलकुलेट करते थे तो कैसे कैलकुलेट करते थे, चार्ज डेंसिटी जो भी होती थी उसकी, और एरिया होता था एरिया, अदरवाइज लेंथ होती थी तो लेंथ। और चौथी चीज जो हमारे पास थी वो गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे, फाइ इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर इस इक्वेशन को कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, ठीक है।
तो आज यही 4 स्टेप आपको फिर से यूज करने होंगे। लेकिन अब आपको स्फेयर में देखो, जैसे आप लोगों ने प्लेट में दो तरीके से पढ़ा था, वैसे स्फेयर में भी आपको दो तरीके से पढ़ने होंगे। ठीक है, ये जो स्फेरिकल स्फेयर जो आपके पास में होगा, इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो आपका होगा हॉलो स्फेयर होगा, इसके लिए हम लोग अलग पढ़ेंगे हॉलो स्फेयर, या इसको हम लोग थिन बोल सकते हैं, थिन स्फेयर भी बोला जाता है इसको। और दूसरा जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप लोग सॉलिड स्फेयर के लिए। देखो स्फेयर दो तरह का हो सकता है, हो सकता है वो हॉलो हो या हो सकता है कि सॉलिड हो। अब हॉलो स्फेयर में भी आपको कई सारी कैटेगरी है पढ़नी है आपको। इसमें आप तो पहले तो कंडक्टिंग स्फेयर के लिए पढ़ना है, अगर मान लेते स्फेयर कंडक्टर है, ठीक है, किसी मेटल का बनाया गया है, तब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो नॉन कंडक्टर है, यानी कि या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, या इसको आप इंसुलेटर कह सकते हो, है ना, ये हो, या तो इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो। डाइलेक्ट्रिक का मतलब जैसे होता है कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल उसके अंदर भर दिया गया हो, जैसे एक मान लीजिए फुटबॉल की तरह का कोई भी चीज है और उसके अंदर कागज भर दो, कपड़ा भर दो, इस तरह की चीज। जैसे कंडेंसर आपका होता है ना पंखे का, उसके अंदर जब उसको ओपन करते हैं तो देखा होगा कि उसके अंदर एक विस्कस लिक्विड की तरह का भरा हुआ होता है, ठीक है, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। इसको भी हम कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे वहां बताएंगे इसका यूज एक्चुअली भी क्या होता है। और इसी तरह से सॉलिड में भी आपको क्या करना है, दो पढ़ने हैं। एक तो कंडक्टर पढ़ना है आपको कि अगर मान लीजिए वो स्फीयर कंडक्टर हो, मतलब कोई मेटल क्या बना हुआ हो जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हो, या दूसरा हो सकता है कि वो नॉन कंडक्टर हो। नॉन कंडक्टर का मतलब होता है कि वो मान लेते हैं कि किसी प्लास्टिक का, रबड़ का, या इस तरीके का स्फीयर बना हो। चार्ज दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि ये जो दो तीन कैटेगरी है ये आपका बिल्कुल अलग है, और ये केवल सॉलिड स्फीयर में जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए है, ये आपका फिनोमेना बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो ये स्पेशल केस आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, बाकी जो आपके जितने भी केस यहाँ पर लिखे हुए हैं उनके सबके लिए सेम डेरिवेशन रहेगा, ठीक है, और हर एक जगह पर सेम डेरिवेशन फॉलो होगा। ये जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए है ये आपका थोड़ा सा अलग है, सिलेबस से बाहर का है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं जेई वगैरह की उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन दे दिया तो उसमें अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल दे दिया वो भी सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि क्वेश्चन तो उसमें आपको थोड़ा सा घुमाई होंगे, ट्रिकी होंगे, तो फिर आपको ये प्रोसेस अलग से करना पड़ेगा। तो हम इसको बता देंगे आपको, ठीक है, तो समझ जाएंगे, समझना है ही आपको, नॉलेज जितना मिल जाए अच्छा है। तो बाकी जो है ये तीनों डेरिवेशन हम एक साथ पढ़ेंगे और ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, और इन्हीं को हम केवल पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए पढ़ेंगे, कल हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दो तरीके से आपको पढ़ने हैं, और इसके आगे फिर हम लोग एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए सबसे पहले करते हैं, ठीक है। अब वो चाहे कंडक्टिंग मटेरियल का हो चाहे जैसा भी हो, हम डेरिवेशन का सेम करेंगे, ठीक है। आप देखो इसमें कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन है स्फीयर में आप कैलकुलेट करने की, बहुत ध्यान से समझिएगा तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि सबसे टफ डेरिवेशन यही होता है। कभी भी स्फीयर वाला जब आता है तो लड़के कंफ्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें ये रहता है, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कि हॉलो के लिए पूछा है कि सॉलिड के लिए पूछा है। अब हॉलो स्फीयर के लिए पूछा तो कहां पूछा है, सरफेस पे पूछा है क्या, इनसाइड द स्फीयर पूछा है कि आउटसाइड द स्फीयर पूछा है, और सबसे बड़ी बात होती है कि इस पे आपको ग्राफ बनाने के लिए कहेगा। तो आपका गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस अगर आप सही से समझ जाएंगे तो चीजें हो जाएंगी। हम मान के चले कि जो भी हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, देखो केस वन इसको अच्छे से समझिएगा। केस वन अभी देखो, पहले फिगर समझ लेते हैं। एक हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक है, और इसको हमने चार्ज दे दिया है, चार्ज कर दिया इसको, मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इसको क्यू चार्ज दे दिया हमने, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ठीक है, यही लिख लेते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है, और इसका रेडियस हम ऑलरेडी क्योंकि हेडिंग में ही अज्यूम कर रखा है कैपिटल आर। अब हमको क्या करना है, अब डायरेक्ट तो इसके लिए कैलकुलेट होना नहीं, तो हमको इसमें एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये स्फीयर है, तो स्फीयर होने का मतलब है कि ये चारों तरफ से सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, एक जैसा होगा। तो हम जो इसमें गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे वो गॉसियन सरफेस स्फीयर ही होगा, और उसका जो रेडियस होगा उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि जो गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया हुआ है उसका रेडियस हम इस स्फीयर के रेडियस से ज्यादा मान करके चलेंगे, ठीक है, मतलब जो आर होगा यानी कि जो गॉसियन सरफेस का जो हमारे पास रेडियस होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, जो हमारे पास जो हमने स्फीयर ले रखा है जिसको हमने चार्ज कर रखा है, ठीक है, यानी कि हमने गॉसियन सरफेस एक अज्यूम कर रखा है बाहर ये और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, और यहां पर स्मॉल आर ग्रेटर देन है किससे, कैपिटल आर से, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। अब देखो,
अब हमको कैलकुलेट करना है, वही चार स्टेप फॉलो करने हैं, ये समझ में आ जाएगा तो पूरा फॉलो हो जाएगा वही चीज। अब देखो स्टेप नंबर वन, स्टेप वन में हम लोग क्या करते थे कि गॉसियन सरफेस अज्यूम करते थे। तो लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इज अ यूनिफॉर्म स्फेयर। ठीक है, एक स्फेयर ही हमने गॉसियन सरफेस यहां पर अज्यूम कर रखा है। दूसरा स्टेप आपके पास में क्या होता था, स्टेप नंबर टू में, कि आपको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना होता था, जिसका फॉर्मूला होता था क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब बात आती है कि यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। अच्छा, आपको पता है कि अगर हम इसमें क्रॉस सेक्शन कट कर लें, किसी भी पॉइंट पर एक क्रॉस सेक्शन कट कर लें, कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन एक कट कर लें, चाहे जिधर भी आप एक क्रॉस सेक्शन कट कर लीजिए इससे गॉसियन सरफेस पर। ठीक है, आपको पता है कि स्फीयर में तो हर एक जगह सिमेट्री होगी, मतलब बाहर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा इस तरीके से, और एरिया वेक्टर तो हमने कहा था कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि ये स्फीयर है और स्फीयर में कोई किनारे तो होते नहीं, साइड तो होते नहीं, तो ये चारों तरफ से सिमेट्रिक होगा। तो अब हमारे पास पता, चाहे जहां पर आप ले लीजिए, बाहर की तरफ ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और बाहर की तरफ ही इसका एरिया वेक्टर होगा। यहां पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर की तरफ ही होगा और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। यहां पर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इसका भी एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्ट आप लोग एरिया वेक्टर नहीं बनाइएगा पेपर में, या कोई आपसे पूछता है तो आप डायरेक्ट नहीं दिखाइएगा, नहीं कहेगा कि आप यहां पर ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप टेंजेंट ड्रॉ करके तब दिखाइएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, अब देखो तो हमको पता कि जो थीटा की वैल्यू है इसके लिए वो कितना हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं दूसरे के। तो यहां से फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो तो ये ई तो बाहर चला जाएगा और डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए, और कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई हो ही गया है और एरिया स्फीयर का आप लोगों को पता है 4πr² होता है, तो ई इंटू कितना हो जाएगा 4π, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हमने आर मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अगला जो स्टेप आपका होता है, स्टेप नंबर जो थर्ड होगा आपका, इसमें आप लोग क्या करते हैं, चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि क्यू इक्वल टू, अच्छा हमने इसमें चार्ज क्यू माना है ना, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी मानी है हमने, कहा गया सिग्मा माना था, कहा ये सिग्मा, और इसका जो एरिया हमने माना है वो कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा कितना, सिग्मा और इंटू इसका जो भी आपके पास में इसका एरिया होगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, तो ये क्यू हो गया, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू, अच्छा है कि ध्यान के बेटा कि इसमें क्या है कि जो क्यू की वैल्यू जो होती है, ये जो क्यू हम रखते हैं यहां पर, ये जो पहले लिख लेते हैं, जो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा, तो ये जो हमने क्यू की वैल्यू यहां पर रखी हुई है, ध्यान रखिएगा कि ये क्यू जो होता है वो इनसाइड होता है, इनसाइड इनसाइड का मतलब होता है कि जो हमने स्फीयर मान रखा है उसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हम दिखाते हैं, यहां पर जो क्यू रखा जाएगा वो हम इसके ऊपर दिखाते हैं जो स्फीयर के ऊपर यहां पर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो यहां पर जो हो जाएगा तो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा, तो ये क्यू इनसाइड होता है, यानी कि जो हमने सरफेस मान रखा, ये जो हमने स्फीयर माना है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, ये चार्ज रखा जाता है। तो यहां पर सिग्मा तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन यहां पर जब एरिया रखेंगे तो यहां पर 4πR² रखेंगे, क्योंकि यहां पर जब चार्ज की बात करी जा रही है तो हम इस स्फीयर के चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एरिया इसका रखेंगे ना कि ऊपर वाले का रखेंगे। तो ये जो है आपका ये सिग्मा, ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहां पर बड़ा ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो भी क्यू रखा जाएगा वो जो इनसाइड यानी कि जो अंदर हमने स्फीयर माना है उसको रखेंगे, और यहां पर जो रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो स्फीयर हम गॉसियन सरफेस मान के चलते हैं उसका रखा जाता है। ठीक है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हो गया 4πr². ठीक है, अब हमको जो लास्ट स्टेप करना होता है, ये लास्ट स्टेप क्या होता है देखो, अच्छा इसको हम क्या कर रहे हैं कि अभी बाद में बताएंगे। अब देखो यहां पर क्या है कि सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन ये हो गया, अब आपको लास्ट स्टेप करना है स्टेप नंबर 4, और उसमें आपको क्या करना होता है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी होती है। ठीक है, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, यहां पर जगह कम है, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या होता है, गॉस थ्योरम फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। अब क्यू की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली है इसको पुट करेंगे, देखो सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट
इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड। अब हमको करना क्या होता है, देखो पहले में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया, दूसरा भी है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखो फोर पाई से फोर पाई यहां से कट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो ई इज इक्वल टू हो जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट इधर हो जाएगा। ये फॉर्मूला 100% सही है, ठीक है 100% सही है। अब कंडीशन यहां पर आती है, ये हमने एक स्फीयर के लिए, एक स्फीयर के लिए जो कि यहां पर हॉलो स्फीयर है और हमने यहां पर जो भी गॉसियन सरफेस माना है वो आउटसाइड द स्फीयर माना है, ठीक है, और उस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो ये इस तरह से कैलकुलेट हुई है। अब एक ध्यान रखिएगा यहां से कि जो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी आपको पता कांस्टेंट होती है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होती है। अब जो आपने स्फीयर ले रखा है, जैसे हमने एक हॉलो स्फीयर ले लिया मान लीजिए, तो क्या उसका रेडियस बढ़ घट जाएगा अपने मन से, वो तो बढ़ने वाला है नहीं, उसमें तो चेंज नहीं होने हैं, तो ये आर की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, तो देखा जाए तो ये आर भी कांस्टेंट है। अगर चेंज होगा तो हम गॉसियन सरफेस में ही चेंज कर सकते हैं, इसकी आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर इसको फिक्स मान रखा है इस आर को, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सब कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वन अपॉन आर स्क्वायर के। और ये चीज पहले भी देख करके आया हूं, जब पहले आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था वहां पर भी आपको पता चला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और वन क्या कहते हैं आर स्क्वायर नीचे होता था, ठीक है, इतना चीजें आप कैलकुलेट कर लेते थे। अब एक्चुअली में देखो अगर हम मान लेते कि अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसको बाहर मानते हैं, ठीक है, और वहां से खड़े होकर के अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो जरा ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आया है कि फाइ ई इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से जो निकल करके आया है, ये यहां से देखो एक फॉर्मूला हम और डिराइव कर सकते हैं, यहीं से देखो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से एक हम देखो फॉर्मूला और डिराइव करेंगे। ये फॉर्मूला करेक्ट है 100% करेक्ट है, ठीक है, अब लेकिन आपको यहीं से देखिए इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, यहां से इस वाले फॉर्मूले से, ये जो इक्वेशन वन बनी हुई है इसी से हम चीजें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा सा मिटाएंगे तो बताएंगे आपको। अब देखो जरा ये इक्वेशन जो हमने बनाई थी, अब देखो ये डेरिवेशन अभी तक हुआ था कॉमन रहेगा, ठीक है, यहां तक कॉमन रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे कंडीशन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो हमने पहली इक्वेशन मानी थी इसको हम ऊपर लिख रहे हैं और नीचे वाला मिटाई दे रहे हैं, फाइव ई इज इक्वल टू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक, अब हम इसको मिटाई दे रहे हैं। अब देखो जरा, अच्छा हम फाइव ई गॉस थ्योरम में पता है कि फाइव ई इज इक्वल टू, वी नो दैट फाइव ई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, हम यहां पर पुट कर सकते हैं इसको, तो देखो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव ई की जगह क्या ले सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको ई इज इक्वल टू ले सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फोर पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्यू और ये आर स्क्वायर भी कहां चलाएगा नीचे, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, ठीक है, अब देखो जरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तब कैलकुलेट होगी, ये हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां मान के चले हैं, बाहर मान करके चल रहे हैं, जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, जो फॉर्मूला ये अभी कैलकुलेट किया गया है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला कॉमन है सबके लिए, ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट हुआ है, ये जो निकल करके कैलकुलेट होकर के आया है, ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला कब कैलकुलेट करते थे आप लोग कैलकुलेट ये करते थे कि जैसे हम लोग क्या करते थे ना, एक पॉइंट चार्ज मानते थे कहीं पर और फिर उससे हम लोग क्या करते थे कि आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी मानते थे जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, और उस वक्त ये ई बराबर कितना था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट हुआ है, अगर हम इसको बाहर से खड़े होकर के देखते हैं, ठीक है, तो अगर बाहर से खड़े होकर के हम इसको देखेंगे तो जो ये चार्ज हमको नजर आएगा वो देखो, अगर ये दूरी कहां है, देखो ये डिस्टेंस कहां है यार, देखो यहां पर जो आर हमने मानी है ये आर, ये आर कहां है, देखो सेंटर से है कि नहीं, देखो इसको हमने सेंटर से माना है ना कि इसके सरफेस से माना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो आर हमने, ये रेडियस है इसका, तो रेडियस हमेशा कहां पर होगा, सेंटर पर होगा, ना कि इसके सरफेस से, ये आर थोड़ा ना है हमारे पास, ठीक है, तो यहां पर जो आर लिखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसके बीच में एक रिलेशनशिप आया है, ई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चार्ज हमको यहां के बजाय कहां नजर आएगा, यहां नजर आएगा, मतलब कि
अगर ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है इस पहली वाली इक्वेशन से, जो पहली इक्वेशन थी और यहां से जो फॉर्मूला यहां पर निकल के आया है, इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है, अगर हम यहां से बाहर से खड़े होकर के इसको देख रहे हैं, तो चार्ज हमको ये यहां के बजाय एट द सरफेस, मतलब सरफेस के बजाय कहां नजर आएगा, इनसाइड। क्योंकि अगर चार्ज यहां पर रखा होगा तभी तो एक चार्ज से और इस पी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वैल्यू, यहां पर तो कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो अगर यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेट होकर के आएगी तो इसके इसके बीच की दूरी तो ही आ कहलाएगी। तो हमको पता है कि मतलब ये क्यू आपकी जो निकल करके आएगी वो क्यू कहां पर होगा, आपका सेंटर पर ही होगा यहां पर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब ये फॉर्मूला हमारे पास होगा तो ये फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है इसका मतलब यहां पर ये है कि जो चार्ज क्यू है, जो चार्ज क्यू है वो कहां पर है, प्लेस्ड एट सेंटर, प्लेस्ड एट सेंटर, ठीक है, ये सेंटर पर प्लेस्ड है, ऐसा मान करके हम, ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा आपको लगेगा, महसूस होगा, ठीक है, अज्यूम करेंगे हम लोग। तो ये जो हमने डेरिवेशन किया हुआ है ये आउटसाइड द स्फीयर है, ठीक है, जो स्फीयर हमने मान के चले हैं उसके बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पर है। तो ये जो डेरिवेशन किया गया है वो एक्सटर्नल के लिए किया गया है, एक्सटर्नल पॉइंट पर किया गया है इसका डेरिवेशन, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, ये वाला, ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट हुआ है, ये चीज आप ध्यान से समझिए फिर से कि ये क्यों हमने अंदर कैसे, देखो ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आया है, ये फॉर्मूला तभी बन सकता है जब एक, जैसे ये क्यू चार्ज था, हमने अगर याद हो हमने जब शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था उसमें हमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, तो उसमें एक पॉइंट चार्ज हमने माना था क्यू, फिर हमने इसके आर डिस्टेंस पर देखा होगा, आप लोग डेरिवेशन जरा पलट करके देखेंगे तो आपको मिलेगा, इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता था। तो देखो इस क्यू से इसके बीच की दूरी कितनी है, आर है, और यहां पर जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे यहां पर अपने आप टेस्ट चार्ज रखते थे, और जब यहां पर अपना टेस्ट चार्ज रखते थे तभी तो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती थी, इज इक्वल टू 1/4πε0q/r2। अगर आप पॉइंट चार्ज वाला देखिएगा डेरिवेशन, तो अगर यहां पर देखो, अगर हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर इसके और इस सेंटर के बीच की दूरी तो आर है, इसका मतलब वो चार्ज कहां रखा है, यहां पर है, वो चार्ज हमको कहां महसूस होगा, इनसाइड द स्फीयर महसूस होगा, ठीक है, जो स्फीयर होगा उसके अंदर चार्ज हमको नजर आएगा। तो ये जब ये कंडीशन, जब फॉर्मूला, ये जब फॉर्मूला ड्राइव होकर के आएगा तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि जो चार्ज है वो कहां रखा है, अंदर रखा है, ठीक है, यहां पर सेंटर पर है, चार्ज जो है वो प्लेस्ड कहां है, सेंटर पर है, ठीक है। तो एक पहला डेरिवेशन ये हो गया आपका एक्सटर्नल पॉइंट पर, ठीक है। अब हमको देखना है कि एट द सरफेस, एक बार सरफेस पे देखना है और एक बार इनसाइड द सरफेस देखना है, ठीक है। अभी हम गॉसियन सरफेस कहां मान करके चले हैं, बाहर, और कंडीशन क्या थी कि कैपिटल आर जो है वो छोटा है किससे, स्मॉल आर से, ठीक है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग करेंगे एट द सरफेस, ठीक है, कि जब सरफेस पर ही हो। ये तीन कंडीशन है, एक बार गॉसियन सरफेस आप स्फीयर के बाहर मानेंगे, एक बार गॉसियन सरफेस आप इस स्फीयर के ऊपर ही मानेंगे, और एक बार गॉसियन सरफेस इस स्फीयर के अंदर ही मानेंगे, ठीक है। तीन कंडीशन होंगी और ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है वापस देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ये एट द सरफेस के होगा, ठीक है। सरफेस पर जब हम गॉसियन सरफेस यहीं पर मान लेंगे, ज़ूम कर लेंगे, उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे वैसे हम लोग बाद में, ठीक है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स पे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए है, जब गॉसियन सरफेस कहां होगा, जो आपके जो भी स्फीयर हमने माना है इसके कहां होगा, बाहर होगा, तब के लिए, ठीक है। अब दूसरा केस जो आपके पास में है, दूसरा केस, अच्छा इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको आप लोग कितनी क्वेश्चन हो गई थी, दो, इसको कोई भी क्वेश्चन नाम दे दो, ए नाम दे दो, है ना, और इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आगे पूरा काम आएगी हमारे पास। इसको मिटा दे रहे हैं, आप देखिए दूसरा केस क्या है, पहला केस अगर आपको समझ में आ गया है तो दूसरा केस भी समझ में आ जाएगा। देखो दूसरा केस क्या है, केस नंबर टू, केस नंबर टू ये होगा कि जब जो गॉसियन सरफेस होगा वो सरफेस पर ही होगा, मतलब कहने का ये है कि अगर एक ये स्फीयर हमने माना है, ये प्लस, इसको हमने चार्ज दे दिया, प्लस चार्ज है वही स्फीयर हमारे पास, है ना, और इसको क्यू चार्ज दे दिया गया, उसका रेडियस कितना मान लिया गया, आर, और जो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम यहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं, सॉरी, ये जो है अब मान करके चल रहे हैं यहां पर कि जो गॉसियन सरफेस है वो इसी के ऊपर है, गॉसियन सरफेस इसी के ऊपर है, एट द सरफेस, एट द सरफेस, ठीक है। तो एट द अगर सरफेस है, यानी कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है, जो गॉसियन सरफेस का हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है और जो ये कैपिटल आर है, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर बराबर है। तो इस केस में अगर ये बराबर होगा तो हमको पता है सीधे सीधे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी अभी अभी कैलकुलेट किया है, इज इक्वल्स टू
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहां पर देखो स्मॉल आर स्क्वायर कैलकुलेट किया था, तो अगर स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाएगा, अगर आर कैपिटल आर के बराबर है तो इसी फॉर्मुले को हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, सिंपल है ठीक है, ये डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा आपका यहां पर ठीक है। अब हमको क्या करना है, केस थर्ड, ये तीसरा केस है आपका इनसाइड, यानी कि गॉसियन सरफेस कहां होगा, सरफेस जो होगा आपके इसके अंदर होगा, जैसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो अंदर की बार गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। देखो अब देखो क्या है कि ये हमने इसको चार्ज दे दिया और इसपे मान लेते चार्ज कितना है, इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया है जिसका रेडियस कितना था कैपिटल आर, हमने मान के चले पहले से ही। अब आपको क्या करना है कि जो गॉसियन सरफेस मानना है वो कहां मानना है, अंदर, देखो अंदर मानना है की बार गॉसियन सरफेस, अब की बार पहले में बाहर माना था, यहां पर उसके सरफेस के ऊपर ही मान लिया है और यहां पर इसको लिख लेना ये एट द सरफेस है ठीक है, ये एट द सरफेस। अब आपको क्या करना है कि इनसाइड ठीक है, इनसाइड द सरफेस ये स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर मान लेते हैं, जरा वाला मार्कर दो चलने का। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो ये हमारे पास हो जाएगी r स्मॉल r, अब इस केस में क्या होगा कि जो कैपिटल r होगा वो ग्रेटर देन होगा स्मॉल r से, यहां पर समझ में आया ना, ये जो कैपिटल r है वो स्मॉल r से क्या है बड़ा है ठीक है। अब इस केस में देखो क्या है, वही काम फिर से करते हैं जो काम वहां पर किया था वही सेम काम यहां पर भी करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट पता है कि जो अभी हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। अच्छा इसमें भी देखो क्या होगा कि अगर गॉसियन सरफेस मानेंगे, यहां पर देखो एक क्रॉस सेक्शन कट करें तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां होगा बाहर, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कहां होगा बाहर की तरफ होगा, किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए, इसी तरीके से इसमें भी होगा। तो वही काम करते हैं कि जो हमारे पास जो यहां पर फाइव ई जो कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला ये तो होता है ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर भी जीरो हो जाएगी, तो ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ कितना हो जाएगा ई डी ए या ई इंटू कितना हो जाएगा ए, तो फाइव ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया कितना होता है इसका, वही काम फिर से करेंगे कि फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये इक्वेशन कॉमन है ये दोनों में ठीक है। अब क्या है देखो, अब फाइव ई इक्वल टू हमको पता है कि वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है बराबर होता है, और ये क्यू कैसा होता है इनसाइड होता है, क्यू इनसाइड ठीक है, क्यू अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा, तो अगर हम यहां पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखें तो ये क्यू अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई और इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। अब जरा ये हम बताओ हमको कि अगर देखो ये अंदर जब हमने मान के चले हैं इसको अंदर, तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसके अंदर अंदर कोई चार्ज नहीं है स्फीयर के अंदर ठीक है, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या है इनसाइड द, यहां पर लिख लीजिएगा इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी है जीरो है, तो अगर क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा ठीक है, क्योंकि फाइव इज इक्वल टू क्यू पॉइंट एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू कितना होता है क्यू पॉइंट एप्सिलॉन नॉट, तो अगर क्यू जीरो तो ये भी जीरो, यानी कि इनसाइड जो अंदर की जब बात करेंगे इनसाइड द स्फीयर जब बात करेंगे तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो रहेगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या रहेगी जीरो रहेगी ठीक है। तो इनसाइड द स्फीयर याद रखेगा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स की वैल्यू दोनों क्या रहेंगी जीरो रहेंगी, और आउटसाइड द स्फीयर जो होता था वो आपको फॉर्मूला पता था कि ई बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है, और जब आर आर के बराबर होगा तो ये वाला ठीक है, इतने केस हमारे पास यहाँ पर बने हुए हैं। अब इसको लेकर के आपको क्या करना है कि एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा ठीक है, तो इसको जरा आप लोग वो कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम उसका ग्राफ बनवाते हैं, तो ये चीज समझ में आ गई सबको ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आउटसाइड स्फीयर, अब तीनों केस हम देखो एक जगह पर आपको बना करके समझा रहे हैं, एक तो ये बना है दो ये बने ही, और जो पहला केस हमने माना था वो ये माना था, ये स्फीयर था आपका यहां पर और इसका रेडियस हमने आर माना था, सबको एक साथ में कंपेयर कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा अभी। और इसको हम क्या कर लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस अज्यूम किया था जिसको हमने क्या माना था स्मॉल आर। अब देखो क्या था कि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस देखो इसके अंदर चार्ज है, यहां पर जो गॉसियन सरफेस हमने माना है ये चार्ज को इनक्लोज कर रहा है ठीक है, लेकिन जो यहां पर हमने, यहां पर तो सरफेस पे है ही तो वहां पर तो कोई चलो आर आर के बराबर होगा ही, लेकिन इस केस में देखो इस केस में ये स्फीयर कहां है अंदर, तो ये चार्ज को इंक्लोज कर ही नहीं रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोई चार्ज स्टोर है ही नहीं, अगर बाहर होता तब तो चार्ज स्टोर था ठीक है, और अगर ये अंदर रखे हो और बाहर, जैसे मान लो छाता लियो हो छाता और अंदर हो तो नहीं भीगोगे, अगर छाता बाहर रखे हो अपना मुंह बाहर करे हो तो भीग जाओगे, वही सेम काम यहां पर भी है कि देखो यहां पर क्या है कि चार्ज अंदर है और ये देखो पूरा इसको ढके हुए है चार्ज को, तो हम कहेंगे कि ये चार्ज इंक्लोज द बॉडी,
और गॉस थ्योरम में यही होता है कि जो उसमें अंदर किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर ही तो चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं, तो ये क्लोज बॉडी हमारे पास है देखो, और ये यहां पर जितना भी चार्ज इसके अंदर होगा तो चार्ज देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर स्टोर है, और यहां पर तो सरफेस पे है ही, और इस केस में देखो इस केस में गॉसियन सरफेस अंदर है तो ये चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा क्योंकि गॉसियन सरफेस तो यहां पर है और चार्ज कहां है बाहर, तो इसके अंदर देखो चार्ज जो हम रखते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर वाला रखते हैं इनसाइड, ठीक है। तो यहां पर देखो अंदर तो कुछ है ही नहीं चार्ज इसके, तो अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो अगर अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फाई भी जीरो हो जाएगा क्योंकि फाई भी किस पे डिपेंड करता है क्यू पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पे डिपेंड करता है क्यू पर, तो दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनसाइड के अंदर क्यों नहीं होता है, तो आप बताएंगे कि जो यहां पर गॉसियन सरफेस माना है ये कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी चार्ज के अंदर इसके अंदर कोई चार्ज स्टोर है ही नहीं, जबकि यहां पर देखो इसके अंदर तो पूरा का पूरा स्फीयर रखा हुआ है तो पूरा चार्ज वो स्टोर की हुई है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब एक ग्राफ आपको बनाना है इसमें, अभी हमने फॉर्मूला ड्रॉ किया था, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r2। ये एक स्फीयर है, जो भी स्फीयर हमने मान के चले हैं और इस पे हमने ये चार्ज दे दिया था और इसका रेडियस जो था वो था कैपिटल आर, और इसी से रिलेटेड हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे। बाहर से मारते हैं देखो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और आर के बीच में एक हमको ग्राफ बनाना है। ऊपर की तरफ हम लोग दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे की तरफ दिखा देते हैं स्मॉल आर। अब यहां से यहां तक देखो, देखो इधर की तरफ स्मॉल आर की वैल्यू दिखा रहे हैं और ये एक पूरा स्फीयर था देखो। अब देखो जो पहली कंडीशन हमारे पास थी कि अगर आर आर के बराबर होगा, अगर आर आर के बराबर होगा तो यहां से देखो आर ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू यहां से ये तो 0.0 हो जाएगी आपकी, हो जाएगी, और यहां से यहां तक की वैल्यू ये आर हो जाएगी स्मॉल आर मान लेते हैं। तो इस केस में अगर आर आर के बराबर है तो यहां तक तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि यहां तक तो वैल्यू जीरो हो जाती है ना। फिर देखो ये वैल्यू देखो यहां से यहां तक, जब आर स्मॉल आर ये कैपिटल आर, तो ये जब यहां पर इतनी बात करेंगे यहां पर सरफेस तक की, अगर इनसाइड बात करते हैं अंदर, देखो अगर सरफेस कहां होता गॉसियन सरफेस, अगर अंदर होता, अगर सरफेस अंदर होता तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो आप आर बढ़ाते चले जाइए सरफेस तक। देखो यही तो किया था ना, देखो ये सरफेस था इसके अंदर में गॉसियन सरफेस ये माना था, ये तो माना था, ये बाहर की तरफ चार्ज था, ये गॉसियन सरफेस यहां तक माना गया था, ये वाला इसके अंदर गॉसियन सरफेस था, तो यहां सरफेस तक तो देखो अगर गॉसियन सरफेस अंदर है तो सरफेस तक तो पूरा सब क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहेगी। अभी हमने चीजें देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी जीरो, तो देखो हम आर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो में। जैसे आप सरफेस पे पहुंचेंगे तो जब सरफेस पे पहुंचेंगे तो आर और आर क्या हो जाएगा बराबर बराबर हो जाएगा। अब यहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना स्टार्ट करेगा, चेंज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब क्या है कि अब जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब देखो ये केस जो हमने निकाला था वो किसके लिए निकाला था, जब जब स्मॉल आर जो था वो ग्रेटर देन था कैपिटल आर के लिए। तो अब देखो अगर कहने का मतलब ये कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ स्लोप की तरह से ऐसे, कि अगर ये बढ़ा और ये जो ग्राफ बनेगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r2। अगर आर की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, देखो आर की वैल्यू बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है घटती चली जा रही है। तो ये समझ में आया कि यहां तक हमने क्यों नहीं ग्राफ बनाया है, यहां तक ग्राफ नहीं बनाया क्योंकि ये अंदर पड़ रहा है और इनसाइड द स्फीयर इसकी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो होती है, ठीक है। तो यहां तक कोई ग्राफ बना नहीं, इसके बाद जब सरफेस पे पहुंचेंगे तो सरफेस पे तो आर आर के बराबर ही होता है, तो उस केस से अब यहां से चालू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना। अब अगर इसके बाहर आप जाएंगे, आप इसके बाहर अगर गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज स्टोर हो जाता है, इनक्लोज हो जाता है, इस वजह से ग्राफ धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा डाउन होता चला जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से अगर आर बढ़ाएंगे तो ई की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी घटती चली जाएगी। तो ग्राफ आपको इस तरीके से आपको बनाना है, आ गया सबको समझ में। तो इतने केस थे, तीन केस आपके पास में थे, ये हमने हॉलो स्फीयर की केवल आज बात करी हुई है जिसमें तीन केस आप लोगों ने पढ़ा है, एक्सटर्नल पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट पर और एट द सरफेस, ठीक है, एक बार सरफेस के ऊपर, एक बार इनसाइड द सरफेस और एक बार आउटसाइड द सरफेस, तीन चीजें हमने पढ़ी, तीन केस आपको पढ़े। तीनों केस में आपको ये ध्यान रखिएगा कि जो इनसाइड द स्फीयर की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों वैल्यू जीरो रहेंगी क्योंकि उसके अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होता और उसके बाहर तो हमने चीजें कैलकुलेट ही करी। तो इतना है, इसका ग्राफ ऐसे ही से बनाइएगा, थोड़ा सा ये कर्व के आकार का बनेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दिखाएगा, नीचे की तरफ हम आर दिखाते हैं।
तो अब एक चीज ध्यान रखेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस आर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आर की वैल्यू बढ़ाएंगे या घटाएंगे, गॉसियन सरफेस की वैल्यू कैसे घटा बढ़ा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, कैपिटल आर पे नहीं डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो आज केवल इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, कल हम आपको सॉलिड स्फीयर के लिए बताएंगे नॉन कंडक्टिंग जो होता था। देखो आपका जो हॉलो स्फीयर चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों के लिए आपका सेम रहेगा ये डेरिवेशन जो हमने किया हुआ है। और कल जो हम नॉन कंडक्टिंग के लिए जो करवाएंगे उसमें जो आपका होगा वो आपको अलग हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसका पूरा डेरिवेशन ही थोड़ा सा अलग होगा, तो वहां पर हम अलग पढ़ेंगे। तो ये आपका डेरिवेशन था, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, जिसको कुछ समझ में नहीं आता दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे आपको। ओके।